हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी ए टू प्लस फ़ोन है, तो रेडमी ए टू प्लस फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग है, तो होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने रेडमी ए टू प्लस फ़ोन में, और कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन से हैं शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही आर आइकन से ओपन आएंगे, सेटिंग्स पर जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑप्शन आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। सिंपली सेटिंग शो हो रही है, तो आपको डेट एंड टाइम सेटिंग्स पे जाना है। डेट एंड टाइम सेटिंग्स ओपन ही आएगी। सिंपली डेट एंड टाइम सेटिंग्स पे जाकर जो भी होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग है उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जो भी टाइमिंग वगैरह आप सेट करना चाहें होम स्क्रीन क्लॉक का, तो आप यहाँ से सेट कर पाएंगे जो भी टाइमिंग सेट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कर सकते हैं, या फिर डेट वगैरह चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं, या ऑटोमेटिकली टाइमिंग को सेट करना चाहें तो इसको ऑन कर देना है, जैसे जो टाइमिंग है ऑटोमेटिकली हमारे फ़ोन में सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को आप सेट कर सकते हैं। रेडमी फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर आप सर्च करते हैं टाइम, तो टाइम सर्च करके डायरेक्टली आप सेटिंग्स पे जा सकते हैं और सेटिंग्स पे जाकर होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को यहाँ से सेट कर सकते हैं। ऐसे टाइमिंग का ऑप्शन आएगा और यहाँ से सेट कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।